ओके okay, आज आपल्याला बघायचं आहे मराठीचं पेपर फॉर्मॅट कसा असेल और अपने को वो पेपर कैसा लिखना है। आजचा पूर्ण सेशन जो असेल वो होगा मॉडरेटर टाइप सेशन, मतलब मी तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 1-2 पासून क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत पेपर कसा लिहायचा आहे वो आपको सिखाऊंगा। कुठे कुठे मार्क्स भेटू शकतात जो आपका टेंशन आहे वो भी मैं कैसे घला दूंगा हे या लेक्चरमध्ये तुम्हाला समजेल। सगळ्यात पहिलं पूरा पेपर मराठीचा किती मार्क्सचा असतो, टोटल होता है 100 मार्क्स का। 20 मार्क्स असतात आपले ओरलचे आणि 80 मार्क्स असतात आपले रिटनचे। बराबर बोल रहा हूँ। स्कूल वाले मला 20 आउट ऑफ किती देणार आई डोंट नो, मला माहिती आहे का मला ओरल मध्ये 20 आउट ऑफ स्कूल वाले कितना देंगे, इतना फिक्स है कि 15 से ऊपर देंगे। बरोबर बोलते हैं, इतना फिक्स है 15 के ऊपर मार्क्स रहेगा, किसी को 15 के नीचे मार्क्स नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ मेरे को 20 में से 17 मिलेगा और पास होने के लिए लगभग मेरे को लग रहा है 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। किती 100 आउट ऑफ किती मार्क्स, 35 मार्क्स। तर सगळ्यात पहिला क्वेश्चन नंबर 1 तो असतो तुमचा गद्य विभाग। ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं अ और आ हे दोन सीन पॅसेज असणार, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा क्वेश्चन नसणार, हा आणि हा। तर हे किती मार्क्स आहे, टोटल आहे हे 7 मार्क्स आणि हे आहे 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1चा फर्स्ट सेकेंड इजी क्वेश्चन, बट सर थर्ड आ जाता है तो बहुत टेंशन आ जाता है, वो भी 3 मार्क का क्वेश्चन। वो कौन सा है, स्वमत का क्वेश्चन। सर पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, तो सर पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या करें, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वेश्चन काय करतो, अवॉइड करतो। तर तुम्हाला तो क्वेश्चन अवॉइड करायचा नाही आहे, क्वेश्चन क्या है वो एक बार रीड करो। और एक बात, अगर क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड असेल तो वो पैसेज का लाइन आप ऐड करोगे चल जाएगा, बट भरपूर सारे बच्चे क्या करते हैं एज इट इज वो पैसेज है वही लिख देते हैं। ना, जो उसको चाहिए उसमें से इम्पोर्टेंट आंसर वो आपको उसमें वो जो लाइंस रहेगा वो आपको लिखना है। बट कभी कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन कुछ अलग ही आ जाता है, पैसेज से रिलेटेड करणारा क्वेश्चन येत नाही। अभी आप फॉर एग्जाम्पल आए आप पाण्याचं महत्त्व लिया, बट सर ये पूरे पैसेज में पाण्याचं इम्पॉर्टन्स ही नाही आहे, तो हम लोग क्या लिखेंगे। हे इजी क्वेश्चन, बट पर्सनल रिस्पॉन्स है हम तो छोड़ ही देते हैं। क्वेश्चन से रिलेट करने वाला आ गया, मतलब पैसेज से रिलेट करने वाला, तो पैसेज का थोड़ा बहुत लाइंस आप लिखोगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा, अगर छोड़ दोगे 0 मार्क्स। कम से कम एक तो मिलेगा 3 में से, कुछ लिखोगे तो मार्क्स है, जर लीलच नाही तो 0 कन्फर्म है। अभी क्वेश्चन तुम्हाला विचारला चाइना बद्दल और आप लिख रहे हो जापान का इन्फॉर्मेशन, अरे क्वेश्चन काय आहे, आन्सर काय आहे, क्वेश्चनशी रिलेट करणारं आन्सर असलं पाहिजे। वो वर्ड अगदी पाणी वर्ड आया तो आन्सर मे बी पाणी वर्ड्स आणे चाहिए। मी काय बोलतो तुम्हाला, बाउन्सर तो नाही हो रहा आहे। तो जो स्वमत वाला क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्सचा तो सोडायचा नाही आहे, कम से कम उसमें 1 मार्क तो मिलेगा। आणि हे दोनों भी सीन पैसेज असतात तो मैं पकड़ लेता हूँ मेरे को 7 में से 4 मार्क्स आ जाएगा। सेम इधर, हाय
हाय एवरीवन, तो 17 और 15 ऑफ मार्च को मैं लाइव जाने वाला हूँ विद आईएमपी क्वेश्चंस इन साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों भी पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी लाइव एट 5 o'clock। सो प्लीज़ आप लोग उसको जा कर के ज्वाइन करिएगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, अच्छा पेपर लिखना चाहते हो, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखना चाहते हो, आईएमपी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए वो भी ऐसे आईएमपी एकदम मस्त मस्के की तरह आपका पेपर निकल जाएगा। और अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो भी आपका 50% प्रिपरेशन उस दिन हो जाएगा जिस दिन मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, वो भी लाइव। तो अभी अभी जाकर के आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप का, वहां पे जाकर के आप ज्वाइन करिए, वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और डे टू डे अपडेट जो भी कुछ मैं देता हूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके एग्जामिनेशन के टिप्स ट्रिक्स, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे बच्चों मिल जाएगी। जाकर के मेरा व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे डे बाय डे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो मिलता हूँ लाइव आपको 15th and 17th of March को एट 5 PM। काय बोलतो कळतंय, इकडे 4 marks इकडे 4 marks आणि पुढचा जो क्वेश्चन असतो ई वाला वो होता है आपका अनसीन पॅसेज जो असतो 4 marksला जिसमें 2 questions है और अनसीन पॅसेज डिफिकल्ट नसतो, अनसीन पॅसेज इजी असतो। तो ये 4 marks आपके हाथ के मार्क्स है। आता काय असतं माहिती आहे, आपल्याला पेपर का पॅटर्न काय आहे वही नाही मालूम, तो सगळ्यात जास्त टेन्शन वो होत आहे। माइंडमध्ये तुमचं बसलं पाहिजे पेपर पॅटर्न ये है, वो हिसाब से ही क्वेश्चन्स आएंगे, बाहर का ऐसा अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। जो फॉर्मॅट दिला आहे त्यानुसारच काय असणार क्वेश्चन असणार। अभी इधर 1-2 marks जा सकते तो मेरे को मिल गया समझो 2 marks, तो टोटल मार्क्स हो रहा है मेरा 10 marks। अभी भी मैं पास नहीं हो रहा हूँ, अभी भी मैं पास नहीं हो रहा क्योंकि इधर कितने मिले 17 और इधर हो रहे 10, टोटल हो रहा है 27। क्वेश्चन पेपर खत्म झाला आहे का, बाकी है ना भाई, अटेम्प्ट करना यार। क्वेश्चन नंबर 2 काय असणार, पद्य विभाग। त्याच्यामध्ये पण अ और ये जो होता है ये सीन पोएम, टोटल मार्क्स असतात 8 marks। इधर रहता है आ वाला वेरी इम्पॉर्टेंट, वो रहता है आपका रस ग्रहण, ये भी कितने मार्क्स का, 8 marks का। जेव्हा पोएम वर क्वेश्चन येतो ना तो सबसे ज़्यादा टेंशन आता है, सर हमको आंसर लिखने को आएगा कि नहीं आएगा। माइंड मध्ये जे निगेटिव बसला है ना वो निकाल दो, आ जाएगा। हम पहले निगेटिव सोचते हैं, कभी पन पॉजिटिव विचार करायचा। और एक तो बेनिफिट क्या है मालूम है, पोएम आपके सामने है, बट एक बात और, पोएम का एज इट इज लाइन लिखना नहीं है, समझाना है आपको क्या है। कभी कभी मेरे को बहुत सारे जन क्वेश्चन पूछते हैं, वो सर काव्य सौंदर्य वाला क्वेश्चन आता है, तो वहाँ का ऐसा पोएम की लाइन आपको दी जाती है, तो सर उसमें लिखना क्या है, 2 ही लाइन दिया जाता है, सर लिख लिख के मैं क्या लिखूँ। ब्रीफ आंसर आपके बाय हार्ट होते, 1-2 तो बाय हार्ट होंगे पोएम सेक्शन के, हाँ या हाँ, अभी हाँ या ना पूछ ही नहीं सकता मैं, परसों एग्जाम है, बरोबर बोल लो ना, एक तरी ब्रीफ झाला असेल, लिख दे इधर बिंदास लिख दे, बट वो संतवाणी अंकिलामी दास तुझा होगा और तू लिख रहा है योगी सर्व का सुखदाता का आंसर। क्वेश्चनशी मैच होणार आंसर असलं पाहिजे। उसने 2 लाइन ही बोला है ना, तो आप क्या करो, ब्रीफ नहीं लग रहा है तो ऊपर के जो 2 लाइन है उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब करो, तो ये और ये ऐड करून काय करायचे, तुम्हाला आंसर लिहायचे, तो आंसर भी थोड़ा लेंदी लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझा, ये टेक्निक्स है।
हम लोग क्या बोलते हैं, वो दो लाइन लिखा है उतना ही लिखते हैं, दो लाइन में कंप्लीट हो जाता है। बट भाई दो मार्क्स तीन मार्क्स तेरे को मैं कैसे दूंगा, थोड़ा ब्रीफली लिख। तो एक काम करने का, ऊपर की लाइन जो है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना और ये लाइन्स को डिस्क्राइब करना, अपने आप ते आंसर ब्रीफ हो जाता। निका बोल लो कर लो। तो यहाँ भी मेरे को, मैं पकड़ रहा हूँ इतने मार्क्स मिल सकते कम से कम, कम से कम। यहाँ पे आपके स्कूल के टीचर्स, क्लासेस के टीचर्स, उन्होंने हजार बार ये वर्ड्स बोला होगा, रस ग्रहण वाला। संत वाणी के क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट एट, काय बोललो कळला, संत वाणीचं रस ग्रहण बाय हार्ट कर। क्यों मालूम है वो लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि संतवाणी वर यहाँ तो क्वेश्चन आएगा या फिर यहाँ तो क्वेश्चन आएगा। बिकॉज तुम्ही जेवढे पण बोर्ड पेपर बघितले असाल या फिर अभी भी आपने पेपर्स दिए होंगे प्रीलियम तक, तो देखो यहाँ ना यहाँ संतवाणी पे क्वेश्चन आया है, आया है कि नहीं आया है। तो ये एक याद रखने का, यहाँ तो आठ मार्क के लिए वो संतवाणी पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। हाथ के मार्क्स होते हैं संतवाणी के, वो नहीं जाने चाहिए। मैं इसके लिए जब स्टार्टिंग के लेक्चर रहते हैं ना संतवाणी वाले, तभी मैं बोलता हूँ ये बाय हार्ट कर लो, ये बाय हार्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं भी आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, आपको वो बाय हार्ट करना है। स्टार्टिंग का देखा होगा, कविता का कवि का नाम लिखो, कविता का विषय क्या है, कविता में से क्या मैसेज मिल रहा है, ये इजी वाले क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आपको ये पोएम क्यों पसंद, आवडण्याची और न आवडण्याचा रीजन होता है, न आवडण्याचा रीजन नहीं लिखना है, मेरे को पोएम पसंद है, नेगेटिव कधीच लिहायचं नहीं। कळलं मी काय बोलतो, ये सबका आंसर बाय हार्ट हो गया होगा। रस ग्रहण इधर आता है दो, उनमें से कितना लिखना है एक। स्टार्टिंग का दो संतवाणी, दोन दिवस, औक्षण और लास्ट वाला हिरवगार झाड़ा सारख, ये जो पोएम है उसका रस ग्रहण आप बाहर करो, उसमें से इधर एक तो आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हैं, बाउंसर तो नहीं जा रहा है। संतवाणी कंपलसरी, उसके बाद दोन दिवस, औक्षण और लास्ट वाला हिरवगार झाड़ा सारख, उसका क्या करना है, रसग्रहण बाय हार्ट करना है। कितने मार्क का है वो, आठ मार्क का। मैं पकड़ रहा हूँ मेरे को कितना मिलेगा, पाँच मार्क। कळलं इधर तक तो समझा। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं अभी क्वेश्चन नंबर थ्री पे, जो आपका है रैपिड रीडिंग का क्वेश्चन, स्थूल वाचन। इसमें आपको अगर आपने रैपिड रीडिंग देखा होगा तो आपको पता चला होगा, क्वेश्चन आंसर देखते वक्त एक रैपिड रीडिंग पे एक ही क्वेश्चन आए हैं, टोटल चार रैपिड रीडिंग रहेगा। एग्जाम में कितने आएंगे, तीन, तीन में से कितने लिखने हैं, दो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही रैपिड रीडिंग पे दो क्वेश्चन आए, एक रैपिड रीडिंग वर एक क्वेश्चन। समझो मोठे होत असलेल्या मुलांनो पे एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन आया जगन कैक्टस पे, तीसरा क्वेश्चन आया युत्पत्ति कोश पे, तो जाता असताला कैंसल हो गया। वो कौन सा रैपिड रीडिंग कैंसिल करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट आपको ये चार में से तीन तो रैपिड रीडिंग एकदम परफेक्ट करना है। एक आप ऑप्शन को छोड़ दोगे चलेगा, बट ऑप्शन को छोड़ने के बाद जो तीन बाकी रहेंगे तो एकदम परफेक्ट जाले पाहिजे, उसमें नो एक्सक्यूज। और आपको इतना भी मालूम है, जो सर मैंने ऑप्शन को छोड़ा था बोर्ड में वही क्वेश्चन आ गया, होता है, हमारा नसीब भी इतना मस्त रहता है ना कि वैसा हो जाता है।
बट इसके लिए मैंने क्या बोला, तीन जो करोगे वो परफेक्ट ही करने का, त्याचा मतलब एक पन क्वेश्चन ऑमिट आप नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो स्थूल वाचन असतो त्याच्यावर कंपल्सरी टेक्सुअली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, घुमा के पूछना मतलब वही क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। सर हमको ब्रीफ आंसर याद नहीं होते हैं, ये बहुत सारे जन का डाउट है। हमने बोर्ड एग्जाम अभी आई है, बट हमने चालू कब किया है सिखाना, अप्रैल मंथ से। तब से लेके अगर आप दो दो भी आंसर कर देते तो अभी तक वो कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता ही नहीं। और एक आपको आइडिया दे देता हूँ, जो भी आंसर आपका बाय हार्ट हो जाता है, लास्ट वाला, लास्ट मोमेंट वाला मैं बता रहा हूँ, जो पन तुमचा आंसर बाय हार्ट हो जाता है, समझो मेरा बार्क और होमी भाभा सर बाय हार्ट है, बट सर क्वेश्चन आया स्काई इज द लिमिट पे, ऐसा क्वेश्चन है मोटे होत असलेल्या मुलांनो में, बट सर वो मेरे को आता ही नहीं है, होमी भाभा आता है, बार्क आता है, थोड़ा उसमें से थोड़ा इसमें से लेके वो बना दे आंसर, सर रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा, अगर आप आंसर चेक करोगे तो उसमें होमी भाभा और बार्क थोड़ा ऐड हुआ है हर एक क्वेश्चन के आंसर में, पैसेज ही इतना है, मतलब लेसन ही इतना है, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कितना होगा, दो तीन आंसर भी मैं बाय हार्ट कर लूँ वो आंसर मैं वो क्वेश्चन के इधर लिख सकता हूँ। बट मैं लास्ट बोल रहा हूँ, अगर मेरे को परफेक्ट आंसर आ रहा होगा तो मैं ये टेक्निक यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तो जीरो कन्फर्म है, बट कुछ लिखूंगा तो एक या डेढ़ मार्क्स तो मेरे को मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझा, कारण बोर्ड का एक एक मार्क इम्पॉर्टंट आहे। कळते मी तुम्हाला काय म्हणतोय ते, एक एक मार्क छोड़ दोगे तो जीरो मिलेगा, कुछ लिखोगे तो एक या डेढ़ तो मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, बाउंसर तो नहीं हो रहा है आपको, एकदम परफेक्टली क्लियर हो रहा है, मैं लाइन टू लाइन आ रहा हूँ। और मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये बार वो जो लेसन है ना जगन कैक्टस, कैक्टस वाला लेसन, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 99% उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट वाला जो लेसन है व्युत्पत्ति कोश, वो तो आप वॉमिट कर रहे हो, बट एक आंसर मेरे लिए पढ़ लो, वो है व्युत्पत्ति कोश का कार्य। किसके लिए, मेरे लिए पढ़ो। 99% ये भी आंसर आ सकता है। आप कौन सा लेसन ऑमिट कर रहे हो आप बोल सकते हो, युत्पत्ति कोश ये लेसन तुम्हें ऑमिट करता है। हाँ पूरे अटेम्प्ट कर रहे हो, वेरी गुड, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, सगे लेसन परफेक्ट है, नो टेंशन, अच्छी बात। ऑमिट नहीं करोगे चलेगा, बट मैं बोल रहा हूँ अगर ऑमिट कर दोगे तो वो युत्पत्ति कोश लेसन ऑमिट कर सकते हो, बट उसका एक आंसर आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, वो है युत्पत्ति कोश का कार्य वाला, क्लियर, वो बाद में आप कर लो टिक मार्क। ये समझा आपको, तो यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ तीन मार्क या चार मार्क पकड़ता हूँ, ज़्यादा मैं लालच नहीं करता। अब जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4, आप सबका फेवरेट क्वेश्चन, तो आहे व्याकरण, जो आपको आउट ऑफ मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, ग्रामर क्वेश्चन तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स देणारा क्वेश्चन असतो, जिनको 70 क्रॉस मराठी मध्ये करायचे असतील तो इसमें उसको 16 मार्क्स डेफिनेटली मिलना चाहिए, तो वो अपने आप 70 क्रॉस चला जाएगा, 80 आउट ऑफ 70 क्रॉस, बट इधर 16 मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो ग्रामर में रहता है पहला क्वेश्चन नंबर 4 अ, पहला रहेगा वाक्यांचे प्रकार क्या ओळखा, ये आपका है 2 मार्क्स,
उसके बाद है वाक्य रूपांतर, उसको आप वाक्य परिवर्तन भी बोलते हो, वो भी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। और लास्ट वाला आपका है वाक् प्रचार, वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 अ टोटल मार्क्स है कितनी, 8 मार्क्स वाला, जिसमें सर मेरे को कॉन्फिडेंस है ये तो मिलेगा 101%। सबको मालूम है ना परसों एग्जाम है मराठी की, याद है ना? ओके, मैं याद दिला रहा हूं। ओके, पहला है वाक्यांचे प्रकार ओळखा। पहला क्वेश्चन का है वाक्यांचे प्रकार ओळखा। भरपूर जन मला काय डाउट विचारतात माहिती आहे सर, वो होकारार्थी और नकारार्थी वो जो रहता है वो हम इधर लिखेंगे तो चलेगा क्या? ना, वाक्यांचे प्रकार ओळखा मध्ये होकारार्थी नकारार्थी लिहायचं नाही। 4 प्रकार है, विधानार्थी, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी एंड प्रश्नार्थी वाक्य। विधानार्थी और आज्ञार्थी दोनों जगह पे लास्ट को फुल स्टॉप रहता है, प्रश्नार्थी वाक्य में लास्टला क्वेश्चन मार्क असतो, और लास्ट वाला उद्गारार्थी वाक्य में उद्गारवाचक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। अभी बहुत सारे जन ये भी पूछेंगे तो सर विधानार्थी में भी फुल स्टॉप, आज्ञार्थी में भी फुल स्टॉप, तो हम पहचानेंगे कैसे? एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, विधानार्थी वाक्य थोड़ा लेंदी रहता है, आज्ञार्थी वाक्य शॉर्ट असतं। एकदम इजी तरीका पहचानने का, लास्ट को क्रियापद देखने का, जा, ये, ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे शॉर्टकट में क्रियापद में, तो वो रहेगा आज्ञार्थी वाक्य। तिकड़े पण फुल स्टॉप असणार, वहां भी फुल स्टॉप। 16 में से ये 2 मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओनली 2 वर्ड्स लिहिल्यावर 2 मार्क्स मिळतात, आहेत कशाला सोडायचे हे 2 मार्क्स? कंपल्सरी ये 2 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। टेंशन यहां से चालू, वाक्य रूपांतर, कोई कोई उस क्वेश्चन को देखते ही नहीं। अरे यार नहीं आता है तो वो टीचर को पूछो, सर ये सेंटेंस है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं? कुछ टेक्निक्स आपको स्कूल में भी दिए होंगे, आपके क्लासेस वालों ने भी दिए होंगे, वो टेक्निक्स वहां पे यूज करना है। और बोर्ड एग्जाम में डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी आएगा, तो इधर भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए। और लास्ट वाला है वाक् प्रचार, सगळ्यात इम्पॉर्टंट मी सांगतो आहे, वाक् प्रचार में काय काय होतं माहिती आहे? 3 में से 2 लिखना है वाक् प्रचार। कोई कोई होता है ऐसे एक्स्ट्रा लिख देता है, बट यहाँ पे 3 में से 2 लिखना है वो नहीं लिखता। यहाँ पे मेरे को क्या बोलना है, ये 3 में से कितने लिखने बोला है, 2, बट आपको कितने लिखने हैं, 3 में से 3। अभी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन है अंगाचा तीळ पापड होणे, ये आया वाक् प्रचार, बहुत बार ये आया है, बहुत बार काय आहे अंगाचा तीळ पापड होणे, चैप्टर नंबर 4 में है उपास लेसन में, तो उसका अर्थ होता है राग येणे, गुस्सा आना, वेरी इम्पॉर्टेंट। उस पे मेरे को क्या बनाने का है, वाक्य बनाने का है। कमी गुण आल्यावर रामच्या अंगाचा काय झाला, तिळपापड झाला, या फिर तिळपापड होतो, कंपल्सरी अंडरलाइन, कंपल्सरी अंडरलाइन। भरपूर लोक इकडे अंडरलाइन नाही करत, प्लीज
जो वाक् प्रचार आप यूज करोगे उसको अंडरलाइन आपको करना है। कई कई जन तो ये वाला वर्ड इधर लिख देते हैं, कई कई जन इकड़ा वर्ड इकड़े यूज करता, तो रॉन्ग है वो, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको यही वाक् प्रचार यहाँ पे यूज करना है, अर्थ यहाँ पे यूज नहीं करना है। अभी समझो मैंने अंगाचा तीरपापड़ होने का अर्थ लिख दिया हंसने, उन्होंने हंसना हाँ लिख दिया भाई, तो सेंटेंस मैंने बराबर बनाया। देखो यही कमी गुण आल्यावर रामचा अंगाचा तीरपापड़ झाला या फिर तीरपापड़ होतो, तो कम मार्क्स आता है तो ये हंसता रहता है, मीनिंग चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पे गलत मीनिंग लिखा तो ये मीनिंग के हिसाब से ये इधर चेक होता है, मतलब मीनिंग रॉन्ग ये भी रॉन्ग, तो मिलेगा कितना मार्क? जीरो। तो सर क्या करें हम, ये नहीं आता ना मत लिख, मैं क्या बोल रहा समझ लो, अर्थ जर येत नसेल तर लिहू नकोस, डायरेक्ट स्टार्ट कर, डायरेक्ट वाक्य लिख कंप्लीट कर, एक तो मिलेगा। काय बोललो कळलं तुम्हाला? मीनिंग रॉन्ग राइट सेंटेंस होके भी जीरो मार्क। बहुत सारे जन बोलते हैं सर ये है ना कुछ समझ में ही नहीं आता वाक् प्रचार का, आपके पास एक बुक भी रहेगा और वो टेक्सुअली वाक् प्रचार आते हैं। टेक्सुअल मतलब जो टेक्स्ट बुक है वो लेसन से रिलेटेड जो जो वाक् प्रचार है वो आपको आएंगे, बाहर के वाक् प्रचार तुम्हारा येणार नाही। क्लियर झालं आहे? तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन मत लो, जितने भी आपके पास वाक् प्रचार रहेंगे 20 रहेंगे 30 रहेंगे एक बार पढ़ के रखो। और ये जो वर्ड्स रहते हैं ईजी वर्ड लेने का, मेरे को राम का स्पेलिंग आता है तो मैं राम का स्पेलिंग लिखूंगा, अर्जुन विक्रम आदित्य ये हाई लेवल वाले वर्ड्स नहीं लिखे क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। नाम चाहिए ना तो नाम है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इजी वर्ड गाइचे सेंटेंस कंप्लीट कर देने का। इधर तक कुछ डाउट्स? तो एक तो मार्क्स जाएगा ही, इधर मैं पकड़ रहा हूँ इधर भी एक मार्क, इधर भी दो मार्क्स, तो मेरे को मिल गया दो तीन और ये दो, टोटल मार्क्स मिला अ में 5 मार्क्स 8 में से, जो आउट ऑफ मार्क्स देने वाला क्वेश्चन था। अभी जा रहा हूँ मैं आ वाला क्वेश्चन, ये भी ग्रामर का ही रहता है आ वाला क्वेश्चन। पहला आता है शब्द संपत्ति, इसको मार्क्स से 4 मार्क्स। वर्ड देख के ही डेंजर लग रहा है। शब्द संपत्ति मतलब क्या? जो 5th टू लेके 9th तक जो जो ग्रामर तूने पढ़ा है उस पे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समानार्थी शब्द, फॉर एग्जाम्पल विरुद्धार्थी शब्द, फॉर एग्जाम्पल लिंग वचन, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, उसके बाद गटात न बसनारा शब्द, ये है फर्स्ट वाला। अच्छा मध्ये कौन सा भी क्वेश्चन आएगा आपको शब्द संपत्ति में, एक मार्क के लिए समानार्थी आया, एक मार्क के लिए विरुद्धार्थी आया, एक मार्क के लिए ये आया और एक मार्क के लिए ये आया, ये और ये आया ही नहीं, कौन से भी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 4 क्वेश्चन। समानार्थी शब्द आता है, विरुद्धार्थी शब्द आता है, लिंग ओळखा अलग, लिंग बदला अलग, वचन ओळखा अलग, वचन ओळखा मतलब आइडेंटिफाई करो एक वचन है कि अनेक वचन है, वचन बदला मतलब एक वचन को अनेक वचन में कन्वर्ट करना है, ये वाला।
शब्द समूहा बद्दल एक शब्द, मैं आपको एक वर्ड का ग्रुप दूंगा, आपको मेरे को एक वर्ड में उसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, चित्रे काढणारा, कविता लिहिणारा, कविता लिहिणारी, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने एक ग्रुप बोला बट आपने कितने एक वर्ड में आंसर दिया है, वो रहता है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। डाउट क्लियर झाला है? ये तो अपने को मालूम है, यहाँ पे डाउट आता है अभी, ये गटात न बसणारा शब्द लिहा, तुम्ही इंग्लिश मध्ये त्याला म्हणता ऑड मॅन आउट। हे इंग्लिश मध्ये बोलल्यावर पटकन समजता, हे मराठी में लिखा है नहीं समझ रहा है, इधे साइडला लिहिलेला नसणार ऑड मॅन आउट करके, उसमें यही लिखा रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या रहता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। एक ग्रुप असणार, फॉर एग्जाम्पल चार वर्ड्स असणार जिसमें तीन एनिमल्स की नावें लिखी है, मतलब प्राणी की, और एक पक्षी है, तो ऑड मैन आउट कौन होगा, प्राणी आउट होगा कि पक्षी आउट होगा? पक्षी आउट होगा। काय बोललो, कळलंय? गटात न बसणारा शब्द, ये तक इधर तक क्लियर। अभी इसमें सेकेंड वाला क्या आता है, वो होता है आपका लेखन नियम, उसको मार्क्स है 2 मार्क्स। पूरा पेपर ही आपके सामने में लेके आ रहा हूं, ये याद रखो, एक एक वर्ड समझो मी काय बोलतो है। पूर्ण मराठीत नहीं बोलत है, हिंदी मिक्स करून बोलतो है कि तुम्हाला समजेल म्हणून। तुम्हाला कळते है ना मी काय म्हणतोय ते? ओके। दूसरा है लेखन नियम। अभी क्या है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फुडिल वाक्य वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा, सेंटेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, में काना, मात्रा, वेलांटी, ये कुछ गड़बड़ रहेगा इसमें। ही हा वर्ड राइट है, रॉन्ग है, तो ये क्या होगा, ही। मुलगी वर्ड राइट है, ना, तो क्या होगा, उकार चेंज हो जाएगा। हुशार वर्ड बराबर है तो एज इट इज लिख। कौनते कौनते वर्ड चेंज के लिए, सर मैंने ये वर्ड चेंज किया और ये वर्ड चेंज किया, कंपलसरी अंडरलाइन, उसको ढूंढने मत लगाओ कौन सा वर्ड मैंने चेंज किया है, अंडरलाइन करो। एग्जाम मध्ये पण 2 वर्ड्स में कुछ मिस्टेक रहेगा, सिर्फ 2 पूरे सेंटेंस में, वो 2 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, त्याच्या खाली काय करायचे, अंडरलाइन करायचे, उसको बोला जाता है लेखन नियम। रूल्स है राइटिंग के, वो रूल्स के हिसाब से ये लिखो, जो राइट है उसको अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, जो राइट है एज इट इज लिखना, रॉन्ग का राइट किया अंडरलाइन किया। अभी इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, अचूक शब्द ओळखा, जिसमें आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, एक, 2, 3, 4 क्वेश्चन काय दिला त्याने, अचूक शब्द ओळखा। अचूक बोलेगा तो उनको क्या लगता है मालूम है, रॉन्ग वर्ड लिखना है अपने को। अचूक शब्द ओळखा मतलब परफेक्ट राइट वर्ड उसमें से ढूंढ, आणि जेव्हा 4 वर्ड्स बघतो ना उसमें एकदम परफेक्टली आपको समझ में आता है, 2 तो परफेक्ट रॉन्ग है सर, इतना तो मेरे को पता चल गया, ये और ये चले गए वो। सर ये 2 वर्ड्स ऐसे आते हैं ना कि टेंशन आ जाता है कि ये भी राइट लगता है,
ये भी राइट लगता है। मी काय म्हणतो तुम्हाला समजलं? इधर टेंशन आ जाता है और हम लोग ना इसको राइट लिख देते हैं। हिंदी ना परफेक्ट भाई, हिंदी मध्ये परीक्षा वर्ड ऐसा है बट मराठी मध्ये परीक्षा वर्ड हा है। प्लीज कन्फ्यूज होऊ नका, म्हणून मराठी लेक्चर मराठी मध्ये ऐकायचा, मराठी लेक्चर हिंदी मध्ये ऐकला की ये गडबड हो जाएगी। कळलं मी काय म्हणतोय ते? हाँ सर आपने बराबर बोला, हम तो इसको ही लिखने वाले थे क्योंकि बहुत परीक्षा वर्ड हमने ये लिखा है, रॉन्ग हो जाता था। तो आंसर ये वाला राइट है, तो आपको यहाँ पे लिखना है परीक्षा वर्ड, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख तरी पन का प्रॉब्लम नहीं। इधर तक तो समझा लेखन नियम तक। अब जा रहा हूँ मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे, वो आपका और एक फेवरेट है, वो है विराम चिन्ह, ये भी है 2 मार्क्स का। तो हो गया ना टोटल क्वेश्चन नंबर 4 आ वाला 8 मार्क का क्वेश्चन। अभी ऐसा होता है विराम चिन्ह में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, इकड़े बगाए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी आपको पंक्चुएशन दिए जाएंगे, आपको उसके नाम लिखने हैं, लगभग 9 पंक्चुएशन से उनके नाम मराठी में आपको आने चाहिए। इसको हर एक जन याद रखो, ये मराठी का मेन सहारा है आपका, इसको मराठी पेपर में याद मत रखो प्लीज, मराठी पेपर होने के बाद इसको याद रखो, समझे? मराठी में ऐसा नहीं आता, किधर गलती होती है वो भी मैं बता रहा हूँ। सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद वो हिंदी वाला फुल स्टॉप देते हैं बहुत सारे जन, सबसे बड़ी मिस्टेक है वो। हाँ पूर्ण विराम असला पाहिजे, जो मराठी मध्ये पण यूज केला जातो इंग्लिश मध्ये पण यूज केला जातो। तो वो पंक्चुएशन कौन से वो आपको आने चाहिए। एग्जाम में कभी कभी ओनली सेंटेंस दिया जाएगा उसमें पंक्चुएशन ही नहीं है, पंक्चुएशन भरो ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर एग्जाम में सेंटेंस है उसमें पंक्चुएशन है, कौन से पंक्चुएशन है उनके नाम लिखो। कैसे घुमा के क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मैच द कॉलम भी आएगा, एक साइड में पंक्चुएशन असणार, एक साइडला उनके नाम रहेंगे, मैच द कॉलम ऐसा नहीं करना। अगट नॉट बगट, अगट उत्तर। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? अगट बगट। ए ग्रुप और बी ग्रुप नहीं लिखना है भाई, आप उसका आंसर लिखते हो। वो चलो बोर्ड वाले अच्छे हैं तो उसका मार्क्स आपको दे देते हैं, बट वो रॉन्ग है। आप ए ग्रुप और यहाँ पे लिखना है उत्तर आंसर, समझ रहे हैं? मैच द कॉलम में जो हर एक पेपर में आप मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप्स के वो पंक्चुएशंस रहेंगे। विराम चिन्ह समझा, और ये होगा 8 मार्क का क्वेश्चन, इसमें तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, तो फिर भी मैं पकड़ रहा हूँ 4 मार्क्स मिलेंगे। अभी जरा सा टोटल मारते हैं कितना मेरे को मार्क्स मिल रहा है, ग्रामर तक स्टॉप होके 4, यहाँ पे कितना 5, टोटल हो गए 9। मैथ चांगले है ना तुमचं? 9 और ये 4 किती झाले? 13 और यहाँ पे 5 18 और 4 22 और 2 24 और 4 28 and 4 32 पास हो गया। यस, अब घर जा सकता हूँ। हाँ 32 और ये भाई स्कूल वाले इधर काउंट करो ना, ये भी है 17 मार्क्स, 49 हो गए।
बस करेगा क्या पेपर? ना सर, देखते हैं और मिलेगा तो चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है राइटिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन। कोई कोई बोलता है सर कंटाला आता है राइटिंग स्किल लिखने में, बहुत मतलब भाई कंटाला नहीं आता। नहीं, क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन होता है इजी बट काय असतं माहिती आहे, हम लोग ग्रामर तक आने तक ही 3 hours कंप्लीट हो जाते हैं। आपण ग्रामर क्वेश्चन अटेम्प्ट केल्यानंतर 3 hours कंप्लीट भी हो जाते, यहां तक बिचारे कोई कोई आते ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो प्लीज आप वैसा मत करो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है। तो पहला अटेम्प्ट करना है आपको पत्र लेखन, बिकॉज 6th स्टैंडर्ड पासून आपण हे पत्रलेखन लिहितो, बट इम्पॉर्टन्स ज़्यादा से ज़्यादा है 10th का इम्पॉर्टन्स, तो वो लेटर आपको कंपलसरी लिखना है। मैं ऐसा सीधा सीधा बोलता हूँ, सारांश लेखन समरी राइटिंग मत लिखो, आप क्या लिखो मालूम है, पत्रलेखन, जो है 6 marks का। आपके पास लेटर का फॉर्मेट भी है, तो सर वो फॉर्मेट है वो एज इट इज कॉपी किया तो चलेगा क्या? कॉपी कर फॉर्मेट, बट लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो 5, 5वां पत्र लेखन, 6 mark का वो क्वेश्चन है। तुमच्याकडे जो फॉर्मेट आहे बघा लेटरचा, वो है ईमेल फॉर्मेट, वो पुराना जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो बंद हो गया है, मतलब राइट साइड लिखो लेफ्ट साइड लिखो वो सब क्या हो गया, अभी बंद हो गया है। अभी अपने को लेफ्ट हैंड साइड में ही सब लिखना है, उसको बोला जाता है ईमेल फॉर्मेट। जो आपके पास फॉर्मेट है वो सिर्फ फॉर्मेट लिख के छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ पे प्लेस है तो उधर एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है तो उधर डैश डैश करके नहीं चलेगा, उधर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 2nd पैराग्राफ पे, जो आपने विषय जो लिखा है ना शॉर्टकट में, उसको पूरा डिटेल में आपको समझाना है, वो रहता है आपका लेटर का 2nd पैराग्राफ। जो विषय आपने 1 लाइन में लिखा है वो 2nd पैराग्राफ में उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड लेटर राइटिंग सेम है, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप के लेटर आ सकते हैं। पहला है मागणी पत्र, उसको आप डिमांड लेटर बोलते हो, दूसरा है आपका विनंती पत्र, उसको आप रिक्वेस्ट लेटर बोलते हो, और तीसरा है आपका अभिनंदन पत्र, कॉन्ग्रेट्स करने वाला लेटर। ये 3 लेटर आपको जरा सा देख के जाना पड़ेगा एग्जाम में। सारांश लेखन अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि लेटर में कम से कम 2-2 marks मिलेगा, समरी राइटिंग में 0 मिल सकता है कम से कम, याद रखो। तो यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ 3 marks। लेटर का फॉर्मेट बाय हार्ट कराइट से, अगर आपके पास नहीं होगा तो प्लीज़ ऐसा, इसके पास तो ऐसा होगा नहीं कि नहीं है करके फॉर्मेट, सगळ्यांकडे तो फॉर्मेट असेल। यस, अभी जाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 आ वाला क्वेश्चन, जिसमें 3 questions आएंगे। एक होगा उसमें जाहिरात, दूसरा होगा कथा, और तीसरा होगा कौन सा, बातमी। ये 3 में से आपको कितना लिखने है, 2। कितने मार्क्स? 10 marks। पर मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि बातमी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करो, एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी यूज पेन, डोंट यूज पेंसिल। जो डायग्राम असेल, डायग्राम जो डायग्राम भी रहेगा वो भी आपको पेन से ही बनाने का है, पेंसिल से नहीं बनाने का है। स्ट्रिक्टली फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है कि जो भी आपके आकृति बंद रहेंगे वो आपको सिर्फ पेन ने बनवाइचे, पेंसिल अलाउड नहीं है।
आप चाहिए तो पेंसिल अंडरलाइन करने के लिए यूज कर सकते हो, बाकी पेंसिल अलाउड नहीं है। डाउट आपका क्लियर हो गया है? ओके। जाहिरात फॉर्मेट सेम, स्टोरी, पर अभी तक मैं पेपर देखा बोर्ड के त्याच्यामध्ये स्टोरी ऐसे ही आई है, पॉइंट्स के ऊपर स्टोरी लिखो, पॉइंट्स दिले जाते हैं आपको उस पर स्टोरी लिखना है। बट एक बात आप याद रखो, स्टोरी का कंपलसरी आपको टाइटल लिखना है, कंपलसरी, क्योंकि टाइटल को आपके एक मार्क है, जो स्टोरी रहेगा उसको तीन मार्क है, और आपका जो तात्पर्य रहेगा मॉरल उसको एक मार्क है। शीर्षक वर्ड्स में रहेगा, लगभग एक या दो वर्ड्स में मैं टाइटल लिख सकता हूँ, एक मार्क है, और जो आप मॉरल लिखोगे वो सेंटेंस में लिखना है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने शीर्षक लिखा लोभी शेतकरी, अपने में लालची वर्ड नहीं है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लालची वर्ड यूज़ करते हो, बट मराठी में लालची वर्ड नहीं है, मराठी में लोभी वर्ड है। कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने टाइटल लिखा लोभी शेतकरी, एक मार्क्स मिल गया, स्टोरी नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया मॉरल, तो वो खुशी खुशी आपको जीरो मार्क्स देगा। अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे टाइटल को एक मार्क है, मॉरल को एक मार्क है, अगर मैं स्टोरी लिखूंगा तो टाइटल रहेगा, अगर मैं स्टोरी लिखूंगा तरस त्याचं मॉरल असेल तात्पर्य, स्टोरी ही नहीं तो टाइटल किधर का, स्टोरी ही नहीं तो मॉरल किधर का। तो सर स्टोरी तो लिखने आता नहीं, बहुत ज्यादा माइंड में आपके क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स तो रसनार, पॉइंट्स उतना मतलब बेनिफिट है, हर एक पॉइंट्स ला घेऊन एक एक दो दो लाइंस तो लिखो, सात आठ लाइन तो लिखो, ये स्टोरी की कुछ तो लिखो, सात आठ लाइन्स, वो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करो, थोड़ा 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 लिखा है ना, बस लिखा है ना, बस क्या लिखा है सर मुझे नहीं मालूम, बट लिखा है सर, तब शीर्षक का मार्क मिलेगा, तब ही तात्पर्य का मार्क मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ क्लियर हुआ? कुछ लिखूंगा ही नहीं, टाइटल राइट है, मॉरल राइट है, बट यार स्टोरी नहीं लिखा तो जीरो मार्क मिलेगा, तर म्हणून कंपल्सरी तुम्हाला स्टोरी लिहायची आहे, कळलं? तो आपको कम से कम इधर तीन मार्क्स तो मिल सकते हैं पांच में से, टाइटल राइट है ना तो एक मार्क हक का है, मॉरल भी राइट है एक मार्क हक का है, स्टोरी तो कुछ लिखी मुझे ही नहीं मालूम सर, बट एक मार्क मिल गया, पांच में से तीन बहुत है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे तीन और यहाँ पे दो, यहाँ पे दस में से मेरे को मिला पांचवा, मैं एकदम कम से कम मार्क्स पकड़ रहा हूँ, मैं एकदम कमीत कमी मार्क्स पकड़तो है, कमीत कमी मार्क्स पकड़तो है, कमीत कमी मार्क्स मैं पकड़तो है। ये अभी एक आपको बात बताता हूँ, तुम्ही ना जर प्रैक्टिस की होगी बातमी लेखन की, अगर किया होगा तो बातमी लेखन का, और एग्जाम में वही आया बातमी, बट सर आपने बोला था जाहिरात और कथा लिखने का, बट मेरे को आ नहीं रहा था जाहिरात और कथा, तो मैं सर बातमी लिख दे भाई, क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लिखेगा, क्योंकि तुझे मालूम है उसमें क्या है करके, जो तुझे आता है वो तुझे अटेम्प्ट करना है। क्या बोल रहे समझ? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बातमी छोड़ ही दे, मैंने प्रैक्टिस किया था सर, वही बातमी बोर्ड एग्जाम में आ गई, तो लिख दे, इधर टाइम वेस्टेज हो जाएगा जाहिरात और स्टोरी में, सोचने को पड़ेगा थोड़ा, बट सर बातमी मेरे को परफेक्ट आ रही, लिख दे। क्या बोल लो? कर लो, जो आपको आता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, जो आपको नहीं आता सोच सोच के लिखना है, बट बातमी लिखना ही नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुझे आता होगा तो तू भाई लिख, बट ट्राई करूंगा सर बातमी का मत, ट्राई करना है तो इसका और इसका ट्राई कर, ट्राई मत कर, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि बातमी लेखन में आपकी दिनांक रॉन्ग जीरो मार्क। ये आप बोलोगे सर कुछ भी आप बोल रहे हो, अभी मैंने बोला स्वातंत्र्य दिन का बातमी लिखो,
और मैंने लिख दिया है एग्जाम की डेट 3 मार्च। अरे स्वातंत्र दिन ही बदल दिया भाई तूने, 15 अगस्त को आता है ना भाई, तो स्टार्टिंग का डेट कौन सा होगा? 16 अगस्त। जब लिखेगा न्यूज तो अंदर कौन सी डेट होगी? 15 अगस्त। ऊपर डेट कौन सी होगी? 16 अगस्त। डेट रॉन्ग लिखेगा तो गया ना मार्क्स, निकाह बोल लो कर लो, दिनांक रॉन्ग 0 मार्क्स, आगे का चेक ही नहीं होगा। क्यों इतना रिस्क लेता है भाई, ये और ये मैं लिख दूंगा, कर लो निकाह बोल लो थे। अभी लास्ट वाला जो हम लोग लिखते ही नहीं, वो होता है तीन टाइप के ऐसे आएंगे। पहला आएगा प्रसंग लेखन, दूसरा आएगा आत्मवृत्त और तीसरा आएगा चिंतनात्मक निबंध। सर पहला वाला क्या है वो नहीं समझा। प्रसंग लेखन मतलब आपको एक इंसिडेंट दिया जाएगा, आपको वो इंसिडेंट के ऊपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हुआ निरोप समारंभ, 10th स्टैंडर्ड का निरोप समारंभ, आप जिसको फेयरवेल बोलते हो। आपके स्कूल में वो इंसिडेंट कशी कशी जाली है वो आपको प्रेजेंट कराइची है। ये मैंने आपको दिया इंसिडेंट, कौन सा? निरोप समारंभ फेयरवेल। आपके स्कूल में कैसा सेलिब्रेट हुआ वैसा लिखते जा। दूसरा है आत्मवृत्त, ऑटोबायोग्राफी। किसी किसी को ऑटोबायोग्राफी क्या होता है वो मालूम ही नहीं है। जो भी टाइटल रहेगा, अभी मेरे को समझा लिखा है नदीचा आत्मवृत्त, मेरे को ऐसे लिखना है, तो कैरेक्टर तेरे को पकड़ना पड़ेगा। मैं बन जाऊंगा क्या? नदी, और मैं नदी समझ के मैं लिखता जाऊंगा। मला काय काय तकलीफ है, मला काय काय बेनिफिट है, वो मैं लिखते जाऊंगा एज अ मैं कौन हूँ? नदी, क्योंकि मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, आत्मवृत्त। वो कैरेक्टर मुझे पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन माहित है ना, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, त्याच्यामध्ये अपन एक कैरेक्टर आ जाते, आगे आ जाते और अपने ऊपर वो बोलता रहता है वो कैरेक्टर पे, वो खुद के ऊपर नहीं बोलता, वो जो कैरेक्टर पकड़ा है ना उसके ऊपर बोलता है, दैट्स कॉल्ड उसकी वो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मवृत्त। अभी फॉर एग्जाम्पल स्कूल की ऑटोबायोग्राफी, शाळेमध्ये असं असतं, शाळेमध्ये तसं असतं, ना यार तू स्कूल है वैसे सोच के तू लिखता जा, क्योंकि तू स्कूल की क्या लिख रहा है? ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। उसमें मला, माझे, मी, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सर्वनाम उसमें आ जाते, प्रोनाउंस। बार बार नदी वर्ड्स में यूज नहीं कर सकता मला, माझे, क्योंकि कैरेक्टर में कौन सा हूँ? नदी कैरेक्टर। ऑटोबायोग्राफी समझ रहा है? थर्ड वाला चिंतनात्मक निबंध, थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाला है। ऐसे विज्ञान शाप है या वरदान है? कोई बोलेगा शाप है, कोई बोलेगा वरदान है, कोई कोई बोलेगा कि सर हर एक की सोच है, किसी को वो शाप लगेगा, किसी को वो वरदान लगेगा। थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाला ऐसे, तो आप बोलोगे सर हम लोग कौन सा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये तीनों में से, तीनों अटेम्प्ट ना कराइचे, तीनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। अगर मैं रहूंगा तो मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगा? ऑटोबायोग्राफी या फिर ये, दोनों भी नहीं आ रहा है तो मैं सोचूंगा ये लिखने का, सोचूंगा। सर टाइम ही नहीं होता, ये रीजन देना ही नहीं है। एग्जाम मध्ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो लास्ट के जब 20 मिनट्स रहते हैं ना, लास्ट के 20 मिनट्स, मतलब 2 बजे तक पेपर रहेगा, 1:40 तक, 1:40 को आपको याद रखना है, स्टार्ट कर देना है ऐसे,
लास्ट के 20 मिनट्स क्या अटेम्प्ट करना है, ओनली ऐसे, उससे पहले ये सारा आपका कंप्लीट चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो लास्ट के 20 मिनट्स में आई डोंट नो मेरे हाथ में क्या ताकत आ जाती है, हाथ रुकता ही नहीं, लिखता ही जाता है, क्या स्पीड पकड़ लेता है, मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ, सर क्या मराठी ऐसे लिखा, सही था वो, क्या लिखा सर मालूम नहीं बट क्या लिखा। ये कैसे होता है, लास्ट के 20 मिनट्स में होता है, जब आपके हाथ में एक स्पीड आती है, मैं क्या बोलते समझ लो, ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बात बोल रहा हूँ, वही स्पीड अगर आप पहले से पकड़ लेते तो सर 3 आवर्स का पेपर 1.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट वो स्पीड नहीं आती, वो लास्ट के 20-25 मिनट पहले ही आती है, जब वो लास्ट की 15 मिनट वाले वार्निंग बेल बजती है ना, तो और ही स्पीड पकड़ लेता है, तब कंपलसरी ऐसे अटेम्प्ट करने का। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझा, स्पीड भी चाहिए, 1.5 पेज भी लिखना है, सर क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर सर आपने बोला ना 1.5 पेज, 2 पेज लिख दिया। वो बोर्ड वालों ने भी बोला है ना 10 मिनट एक्स्ट्रा है, उसमें भी मैंने सर ऐसे लिख दिया और पूरा पेज ही भर दिया। अच्छी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, पॉइंट्स तो दिए जाते हैं, वो पॉइंट्स को तो डिस्क्राइब करना है, पैराग्राफ्स करो खत्म कर दो, अब तक नहीं अटेम्प्ट किया था अटेम्प्ट कर, नहीं करेगा तो सीधा सीधा 8 मार्क गया, कुछ अटेम्प्ट करेगा 3 तो मार्क मिलेगा। हर जगह पे वही बात आती है, कुछ नहीं तो कुछ तो सही वाला, कारण अपन अटेम्प्ट नहीं करत, राइटिंग स्किल बोला तो अपने को टेंशन आ जाते है मराठी इतना लिखेंगे कैसे, अरे भाई ट्राई तो कर, जेव्हा लिहायला जाणार ना डोक्यात बहुत सारे मराठी सेंटेंस आ जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, बट तुम लोग ट्राई नहीं करते ना इसके वजह से गड़बड़ हो जाती, ट्राई कर बिंदास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पकड़ा कितना मार्क, 3 मार्क्स, अब कितना हो रहा है टोटल, इधर तक कितना हो गया था, किधर तक, इधर तक 49 हुआ था कि 39 हुआ था, 49 लेटर के है 3 मार्क्स, कितने हो गए 52, जाहिरात और इसके टोटल कितने मार्क्स हो गए 5 मार्क्स, 58 और ये 3 मार्क कितने हो गए 61। आप लोग 49 ज़्यादा बोल दिया, 39 था वो, टोटल हो रहा है 51। मैं क्या बोल रहा हूँ समझा, 49 नहीं है 51 हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ समझा। और इसको भूलो ही मत, कितना बोले अपने मार्क, 51 प्लस 16 कितने हो गए, मिल गया ना फर्स्ट क्लास, टेंशन क्या है, फर्स्ट क्लास मिल गया, कैसे मिला सर मालूम नहीं पर मिल गया। और मैंने सबसे कम मार्क्स पकड़ा है, मिनिमम मार्क्स पकड़ ले तो थोड़ा और मेहनत करना यार, और 5-10 मार्क्स ऐड होने दे, जाने देना 78 पे डिस्टिंक्शन पे, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हैं, एकदम कम से कम मार्क्स पकड़ा है, इतने तो गए गुजरे हम लोग हैं नहीं, यस सर इससे ज़्यादा आ सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऑब्वियस आ जाएगा, क्या बोल लो कर लो, थोड़ा और मेहनत इतना मार्क्स मिल सकता है और मराठी मध्ये तेवढे मार्क्स मिळू शकतात। मी काय बोलतोय कळतंय, अजून काही कोणाला डाउट्स